हेलो फ्रेंड्स, डेल के बायोलॉजी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं डेल कुमार और आज अपन बात करेंगे टॉपिक सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत। देखिए भी इससे पूर्व की वीडियो में हमने सेल के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया, आज अपन कोशिका सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक ओकेन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1805 में सर्वप्रथम सेल थ्योरी की आरंभिक अवधारणा प्रस्तुत की। तो प्रथम वैज्ञानिक जिसने सेल थ्योरी की अवधारणा प्रस्तुत की वो कौन थे? ओकेन, जिसने 1805 में सेल थ्योरी की अवधारणा प्रस्तुत की। दूसरे वैज्ञानिक है एच जे ड्यू प्रोचेट, जो एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिसने 1824 में नाइट्रिक अम्ल द्वारा माइमोसा पुडिका नामक पादप, जिसे अपन छुई मुई भी कह सकते हैं, उस पादप की सेल का पृथक्करण करके सेल थ्योरी का विचार प्रस्तुत किया। उसके बाद अपने आते हैं मैथियास जैकब स्लाइडेन, जो एक प्रसिद्ध जर्मन वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1839 में सेल थ्योरी की पूर्णता को स्थापित किया और उन्होंने कहा कि प्रत्येक सेल एक जीव है, प्रत्येक सेल एक जीव है तथा समस्त जंतु व पादप इन जीवों के समूह है जो एक निश्चित क्रम में बंधे होते हैं। थियोडोर स्वान दूसरे जर्मन वैज्ञानिक है जो प्राणी विज्ञान के वैज्ञानिक थे और 1839 में सेल थ्योरी को जंतुओं हेतु स्थापित किया और उन्होंने कहा कि सभी प्राणी एक ही भाग द्वारा बने होते हैं जिसे हम सेल कहते हैं, यानी समस्त प्राणी एक सेल द्वारा एक भाग द्वारा बने होते हैं जिसे हम क्या कह सकते हैं, उस भाग को सेल कह सकते हैं। और इन दोनों मैथियास जैकब स्लाइडेन और थियोडोर स्वान को ही कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक कहा जाता है। तो कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक है मैथियास जैकब स्लाइडेन, जिसने वनस्पति के लिए, और थियोडोर स्वान, जिन्होंने प्राणियों के लिए कोशिका सिद्धांत की पूर्णतया को स्थापित किया। अब अपन बात करते हैं एक और वैज्ञानिक के नेगेली ने 1846 में कहा कि पूर्ववर्ती सेल से ही नई सेल की उत्पत्ति होती है या उद्भव होता है। सर्वप्रथम ये नेगेली ने कहा था, किंतु रोडोल्फ वीर्चो ने 1885 में, जो कि एक जर्मन डॉक्टर थे, नेगेली के विचारों की पुष्टि की, इस पुष्टि की और कहा कि पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का उद्भव होता है। और उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट को, उन्होंने अपने इस पद को एक थ्योरी के रूप में प्रस्तुत किया जिसे कहा जाता है ओमनियस सेलुला ई सेलुला, यानी पुरानी या पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई सेल्स की उत्पत्ति होती है और वो उत्पत्ति कोशिका विभाजन द्वारा होती है। तो नई सेल की उत्पत्ति किससे होती है? भी पूर्ववर्ती सेलों से, कोशिका विभाजन द्वारा। कोशिका विभाजन के दो प्रकार होते हैं, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अब अपन बात करें आधुनिक सेल, ये जितने भी आधुनिक सेल थ्योरी, जितने भी वैज्ञानिकों के विचार है, उन सभी के विचारों को हम एक साथ रख कर
एक आधुनिक सेल थ्योरी बनाई गई जिसके तथ्य निम्न प्रकार है। समस्त एक कोशिकीय या बहु कोशिकीय जीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है भी? सेल से। तो समस्त सजीवों का शरीर, चाहे वो एक कोशिकीय हो चाहे वो बहु कोशिकीय हो, किससे मिलकर बना होता है? सेल या सेल से मिलकर बना होता है। ये जीवों की प्राथमिक और निर्माणकारी इकाई है। तो पहला तथ्य, समस्त सजीवों का शरीर किससे बना हुआ है? सेल से। दूसरा, जीवों की सेल जो है जीवों की प्राथमिक और निर्माणकारी इकाई है। अगला, अगर अपन स्टेटमेंट बात करें सेल थ्योरी में, तो ये जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। यह जीवों की आनुवंशिक व अति सूक्ष्म इकाई है। जीवों की समस्त जैविक क्रियाएं सेल्स में संपन्न होती है। प्रत्येक सेल में केंद्रक उपस्थित होता है और पूर्ववर्ती सेल से नई सेल का उद्भव होता है, वो होता है कोशिका विभाजन द्वारा। तो ये सेल थ्योरी के क्या है भी? तथ्य है, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है। सेल थ्योरी में क्या कहा गया भी वैज्ञानिकों के द्वारा, कि सभी जीवों का विकास शरीर, सभी जीवों के शरीर का विकास सेल से हुआ है। सेल सजीवों की निर्माणकारी, प्राथमिक, आनुवंशिक, संरचनात्मक, क्रियात्मक इकाई होती है। सभी जैविक क्रियाएं और उपापचयी क्रियाएं हैं सेल में होती है। समस्त कोशिकाएं केंद्रक युक्त होती है, परंतु इनके बहुत सारे अपवाद भी देखने को अपने को मिलेंगे, वो अपन आगे बात करेंगे। और पूर्ववर्ती सेल से नई सेल की उत्पत्ति होती है। अब अपन बात कर रहे हैं, ये है सेल थ्योरी, आधुनिक सेल थ्योरी। अब अपन बात करें कि सेल थ्योरी का उपयोग या महत्व क्या है। तो अपन बात करेंगे महत्व की। महत्व, कोशिका सिद्धांत का क्या महत्व है? तो कुछ वैज्ञानिक थे जैसे विर्चो, विर्चो ने कहा कि जो कोशिकाओं की जो सेल थ्योरी, जो विर्चो ने कहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। और उन्होंने कहा कि, विर्चो ने कहा कि सेल थ्योरी का यूज हम रोग विज्ञान में भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक वैज्ञानिक थे जो कॉलिकर ने ये कहा कि ध्वनिकी में भी हम सेल थ्योरी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ध्वनिकी में नर और मादा युग्मकों के संलयन से युवनज का निर्माण होता है। इसी तरीके से हम हिस्टोलॉजी में, फिजियोलॉजी में, इन सब में कोशिका सिद्धांत का बहुत अधिक महत्व है। तो कोशिका सिद्धांत का महत्व है ध्वनिकी में, प्लांट पैथोलॉजी में, स्टोलॉजी में और कार्यकी में। अब अपन बात करें भी सेल थ्योरी के अनुसार समस्त जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, परंतु सेल थ्योरी के क्या अपवाद है? तो अपन अपवाद देखें। कुछ ऐसे सजीव हैं जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता, कुछ अकोशिकीय भी होते हैं। ऐसे जीवों के लिए सेल थ्योरी लागू नहीं होती है। जैसे हम बात करें जीवाणु, जीवाणु में सुविकसित केंद्रक नहीं होता। नील हरित शैवालों में सुविकसित केंद्रक नहीं होता। माइकोप्लाज्मा में सुविकसित केंद्रक नहीं होता। इसके अलावा शैवालें जैसे वोचेरिया है उनमें, इसके अलावा कवक जैसे म्यूकर व राइजोपस के लिए सेल थ्योरी लागू नहीं होती। इसके अलावा हम बात करें सेल थ्योरी विषाणु, विषाणु जो केवल मात्र
किसके बने हुए भी, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए, और उनके चारों ओर प्रोटीन आवरण होगा। तो सेल थ्योरी किन किन जीवों के लिए लागू नहीं होती थी? जीवाणुओं के लिए, नील हरित शैवाल के लिए, इसके अलावा वाउचेरिया के लिए, इसके अलावा माइकोप्लाज्मा के ऊपर, इसके अलावा म्यूकस और राइजोपस शैवाल और विषाणुओं के लिए सेल थ्योरी लागू नहीं होती। इसके अलावा कुछ प्रोटोजोन्स के भी प्रति सेल थ्योरी लागू नहीं होती। ये था भी आज का सेल थ्योरी। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, जय हिंद।